और अगर आप भी अच्छी सेहत चाहते हैं तो इसके लिए सही खान पान बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे खान पान में कौन सी सावधानी कर आप अपनी सेहत को संभाल सकते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सबसे सेफ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज सबसे पहली चीज़ मैं अपना बता दूं कि जब मैं अपने कीमो वार्ड में गई तो मुझे सारे स्टाफ ने बोला, मैम आप तो टीवी पे आते हो लेकिन हमारी तरफ से टीवी वालों को राम राम बोल दीजिएगा, तो आप सबको बहुत बड़ी राम राम, नहीं तो कल मुझे हॉस्पिटल में आने नहीं देंगे। आइए आज बात करें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए रेडी टू ईट मील्स के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारा खाना खाने के बजाय अपने आप को स्किप मील्स पे छोड़ते हैं। स्किप मील्स मतलब नाश्ता छोड़ दो लंच खा लेंगे, लंच छोड़ दो डिनर खा लेंगे, तो इनको कहते हैं स्किप मील्स। बट क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं डाइटिंग के बाद? क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पैची स्किन हो जाती है, या बहुत ज़्यादा एजिंग इफेक्ट्स है जो हायर आने शुरू होते हैं? यू नो, हैव यू रिमेंबर योर फेस सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर विद रिंकल्स? ओ माय गॉड, डर लग जाता है ना सोचिए कि कैसा लगेगा। तो जी हाँ, खाना खाना ज़रूरी है। डाइटिशियंस ये नहीं कहती हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, डाइटिशियंस ये कहते हैं कि सब कुछ खाओ बट प्रॉपर पोर्शंस और प्रॉपर रेशो में खाइए। ये नहीं कि कुछ भी रैंडम कभी भी खाते रहें, उसका फ़ायदा नहीं होता। आइए आज बात करें क्या खा के हम अपनी बॉडी का प्रोफाइल है जो बेटर कर सकते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं अच्छा रेशो पे खाइए लेकिन कम कम मात्रा में खाइए। जैसे कि ये नहीं होता कि 2-3 कॉम्बिनेशन फूड्स को हम पैक करके ले रहे और हमने एक ही मील में खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने लंच में डिनर या कोई भी एक मील है जो स्किप करना है। अगर मैं लंच स्किप किया है तो मैं फ्रूट्स का सैलड बना के खा जाऊंगा। फ्रूट्स का सैलड के बजाय 1:1 ऑफ द फूड बट द क्वांटिटी हैज़ टू बी ऑन द हायर मोड। एनी टू फ्रूट्स व्हेन एवर मिक्स टुगेदर आर नेवर अब्सॉर्ब टुगेदर इन द बॉडी। इसका मतलब कि जब भी आप कोई भी फ्रूट अलग दो लेवल के उठाते हैं वो कभी भी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो उस डाइजेशन के लिए दोनों का टाइमिंग रेशो चेंज होता है। अगर आपने कभी वाटरमेलन देखा होगा तो वो वाटर रिटेंशन फ्रूट है, और पपीता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, अलग फैक्टर पे है जो काम करते हैं। आइए अब इसके बारे में बात करें कि हम और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जो रेडी टू ईट मील्स हों। सोक्ड ओट्स या सोक्ड ओट स्मूथी जो हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप उसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, आप फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं ताकि आपके ओमेगा 369 का रेशो भी है जो हायर रहेगा। काफ़ी सारे लोग एक काम और ज़्यादा करते हैं कि यू नो ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने लग जाते हैं, एंड दैट एड्स वन थिंग एंड दैट इज़ रिफाइंड शुगर्स। रिफाइंड शुगर्स जितनी भी बॉडी में जाएंगी आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा मैनीफोल्ड्स बहुत ज़्यादा डैमेज है जो होती है। जैसे कि आपके फेस पे एजिंग है जो बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है, बॉडी का इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, या कंसीविंग इश्यूज हैं जो आने शुरू हो जाते हैं। लोग आजकल एक ही चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ शॉर्टकट, नॉट टू मेक फूड एंड नॉट टू यू नो सर्व दैट वेल। जैसे कि अगर पिज्ज़ा आया है तो उसी में से खा लिया, आपको पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली आपको कितना खाना है। इसलिए जब भी खाना खाएं अपनी प्रॉपर थाली में खाइए, अपने प्रॉपर पोर्शन साइज के लिए खाइए, दैट इज़ योर एग्जैक्ट मीन। अगर आप पोर्शन रेशो अपना चेंज करते रहते हैं, बॉडी का प्रोफाइल रेशो है जो चेंज करते रहते हैं, तो उसको आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप थकावट किस चीज़ से महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग खाना खाते हैं बट स्टिल पूरा दिन वो थके रहते हैं। कई लोग खाने के साथ साथ बहुत अच्छी डाइट के साथ साथ बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हैं बट दे डोंट हैव दैट जील, दे फील लाइक वी आर ड्रेन्ड आउट, हमें हमेशा थकावट है जो रहती है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी कॉन्स्टेंट ड्रेनिंग पे जा रही है। उस ड्रेनिंग को रोकने के लिए जो भी पोर्शन साइज खाएं, मोर ऑफ द कैरोटीन रेशो है जो बॉडी में होना चाहिए, जितना कैरोटीन रेशो हायर होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मोड है जो जाएगा। आप मल्टीविटामिन्स भी है जो ले सकते हैं। जो भी खाना खाएं कोशिश करें गरम मसाला ऐड करने के बजाय कोरिएंडर लीव्स है जो ऐड करें, एंड अबव ऑल जो भी खाना खाएं स्मूदीज की फॉर्म में अगर खा रहे हैं या आप उसको प्रॉपर रेशो में खा रहे हैं, मल्टीग्रेन कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो भी होता है सिंगल ग्रेन कंसेप्ट होता है। मल्टीग्रेन ना करके सिंगल ग्रेन यूज़ कीजिए और चीज़ों को बेटर कीजिए। उम्मीद करूंगी आप सबसे अपने सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।